बेचना पड़ रहा किन्हीं को, और बीबी एक लड़की आज इस लड़के को मैगी क्यों बेचना पड़ा? कौन जिम्मेवार है जो आज आप मजबूर हुए इस काम को वर्क को करने को? अब आपको सबको पता है मैं खुलेआम तो बोल नहीं सकता, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। बिहार का क्या रिप्रेजेंटेशन जा रहा होगा? अच्छा तो नहीं जा रहा। क्वेश्चन पेपर लीक होने का सवाल उठेगा तो आपको बिहार में दिखेगा, बच्चे बेरोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ऐसा होगा कि एक बीबीए करके बच्चा क्यों सड़क पर मैगी बेच रहा है? ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक तरफ हमारी भारत सरकार और बिहार सरकार इस बात की दावे कर रही है कि हमारा देश विकास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम आपसे बात करें पटना की, तो पटना में अजीबोगरीब सुनने को हमेशा और लगातार कुछ दिनों से मिलते आ रहा है। हाल ही में चर्चे में रही है पटना में चाय वाली। जी हाँ, पटना में ग्रेजुएट चाय वाली का नाम आपने सुना होगा और देखा भी होगा। अभी फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है ग्रेजुएट चाय वाली। उनका चर्चा अभी धीमा होता है कि दूसरा सुनने में आया आत्मनिर्भर चाय वाली के बारे में भी आपने सुना होगा। और तीसरा चर्चा, एक और खबर तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बीबीए मैगी वाला। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर में बीबीए मैगी वाला। आप समझ रहे होंगे कि बीबीए मैगी वाला इन्होंने नाम क्यों रखा होगा, साफ तौर पे इससे पता चल रहा है। इससे पहले भी ग्रेजुएट चाय वाली ने अपना नाम ग्रेजुएट क्यों रखा था, बखूबी आप इस बात को जान रहे हैं। साथ ही बीबीए मैगी वाला मतलब यहाँ पे अब हमारे बिहार में और हमारे देश में लोग पढ़ लिख कर कोई मैगी बेच रहे हैं तो कोई चाय बेच रहा है। आखिर क्यों, इसका कारण क्या है और क्यों चाय बेचना पड़ रहा है किन्हीं को, और बीबीए करके आज इस लड़के को मैगी क्यों बेचना पड़ रहा है? हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कारण है जो इन्होंने बीबीए करके, कहीं ना कहीं देखे जाए तो लाखों रुपए खर्च करके आज ये यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ ऋषिराज। आपने नाम रखा बीबीए मैगी वाला, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीबीए कर रखा। कहाँ से बीबीए किया आपने? तमिलनाडु कालासिली यूनिवर्सिटी। कितने, लगभग कितने रुपए खर्च किए होंगे आपने बीबीए करने में? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद क्या रीज़न है जो कि आप यहाँ पे मैगी बेच रहे हैं? एक्चुअली मेरे को पढ़ाई करना था और जॉब भी करना था, पर मार्केट में एक्सपेक्टेड सैलरी वाली जॉब नहीं थी, जिसके कारण मेरे को ड्रॉप आउट करना पड़ा जॉब को। अच्छा, क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेवार है जो आज आप मजबूर हुए इस काम को वर्क को करने को? अब आपको सबको पता है मैं खुलेआम तो बोल नहीं सकता, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। कितना कमा लेते हैं आप मैगी बेचकर एक दिन का? 400 to 500। 400 to 500, मतलब एक दिन का अगर 400 to 500 कमाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप जोड़ सकते हैं यहाँ से कि महीने का तकरीबन 15,000 रुपये लगभग ये अभी कमा रहे हैं एक मैगी बेचकर। और इन्होंने साफ तौर पे अभी अभी कहा कि उस टाइप का जॉब इन्हें नहीं मिला जो ये अफोर्ड करते थे, जिस वजह से आज इन्हें मैगी बेचना पड़ा। मैगी वाले पोस्टर में एक और फिगर आपको नजर आएगा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं। क्या रीज़न है कि आपने मोदी जी का फोटो अपने पोस्टर में लगाया? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का ये जवाब दे रहे हैं और इनका कहना है कि हमने मोदी जी का फोटो इसलिए लगाया है कि आत्मनिर्भर भारत को ये रिप्रेजेंट करता है। एक और हम कहते हैं कि हमारे भारत में लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हमें नहीं लगता बिहार सरकार तक अब तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि उनके ही स्टेट के कैपिटल हिल में ये सारी चीज़ें हो रही है। एक लड़की जो कि पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करके चाय बेच रही है, दूसरी लड़की पढ़ लिख कर फिर से चाय बेच रही है, और तीसरा यहाँ पे बीबीए करके ये बंदा यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। क्या कारण है ये अभी बखूबी जानते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को उस प्रकार का काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक अंकल हैं जिनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? नीलमणि सिंह। यहाँ पे क्या करने आए हैं? बस मैगी खाने आए हैं। मैगी खाने आए हैं। इनके बारे में भी जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं कि बच्चा बीबीए करके अनएम्प्लॉयड है और स्टार्टअप शुरू किया है, जो भी है अच्छा है, अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, खुशी इस बात की है अंकल आपको कि ये बच्चा अनएम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, अपने पैर पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, इस बात का दुख नहीं लग रहा है कि बीबीए करने के बाद इन्हें
हमें ये काम करना पड़ा। बिल्कुल दुख लग रहा है क्योंकि ये जॉब इसका नहीं था, बस अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है। तो हमारे बिहार सरकार को ये चीज क्यों नहीं दिख रही है कि उनके शहर में, उनके स्टेट के कैपिटल में बच्चे इस प्रकार मजबूर हो रहे हैं इन काम को करने के लिए? दिख तो रही होगी सरकार को, क्योंकि ये चीज मीडिया में, सोशल मीडिया पर काफी, टीवी पे काफी आ चुका है। सरकार को तो दिख रही होगी कि नहीं, कि बच्चे जो है सो, कोई बच्ची जी चाय की दुकान खोली हुई है, ये खोले हुए हैं, तो सरकार को इस पर पहल अवश्य करना चाहिए। सोशल मीडिया एक जगह की चीज नहीं होती अंकल, ये पूरे भारत, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ये चीजें जा रही होंगी, बिहार का क्या रिप्रेजेंटेशन जा रहा होगा? अच्छा तो नहीं जा रहा है, अच्छा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी चीज के यहाँ पर के बच्चों में टैलेंट है जी। लेकिन टैलेंट के अनुसार यहाँ पर रोजगार नहीं है और ये सबसे बड़ी कमी है। आप क्या करते हैं अंकल? हम तो बेटा रिटायर कर चुके हैं। रिटायर किस डिपार्टमेंट? मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में एचआर मैनेजर था। अच्छा, प्राइवेट इंडस्ट्री में। आप भी प्राइवेट इंडस्ट्री में गए होंगे, कोई तो रीजन होगा, ऐसा नहीं है आपने कोशिश नहीं किया होगा गवर्नमेंट का? नहीं, गवर्नमेंट में कोशिश किया था लेकिन जॉब ही नहीं है। दूसरी चीज की जहाँ जॉब है भी वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं उस जॉब में जाने में, कंपटीशन के अलावा भी बहुत सारा, कंपटीशन कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, डेली आप पेपर में देख रही हैं। बिल्कुल सही कहा अंकल ने, हाल ही में 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, आप जानते ही होंगे कि बिहार में बीपीएससी एग्जाम में क्या हुआ था। अंकल ने भी साफ तौर पर कहा कि सिर्फ यहाँ पे नौकरी लेने में ही प्रॉब्लम नहीं होती, नौकरी के बाद और नौकरी के पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको बिहार में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन पेपर लीक होने का सवाल उठेगा तो आपको बिहार में दिखेगा, बच्चे बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो आपको बिहार में मिलेंगे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बिहार की संस्कृति और बिहार का मर्यादा कहाँ जा रहा है, और ये चीज़ें जब निकल के बाहर जाती होगी तो देश में क्या रिप्रेजेंट करना कर रहा होगा। आज हमारा इंटरनेशनल मीडिया एक तेजी से एक खबर फैला रहा है कि हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के आरजेडी पार्टी के श्री माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी जब लंदन गए थे तो वहां पे उन्होंने हमारे देश का बुराई किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश में ये कमियां हैं और ये चीज़ें सही नहीं, जिस पर टिप्पणी की जा रही है कि उन्होंने हमारे देश का खराबी को दिखाया। तो मैं एक सवाल यहाँ पे अराइज करना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से कि क्या ये बीबीए मैगी वाला का जब एडवर्टाइज और जब न्यूज़ आता होगा लंदन में, अमेरिका में, तो क्या उन्हें नहीं पता चलता होगा कि एक बीबीए करके बच्चा क्यों सड़क पर मैगी बेच रहा है? जब एक न्यूज़ आता होगा कि ग्रेजुएट करके लड़की रोड पे खड़े होकर चाय बेच रही है, तो क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि भारत में, बिहार में या कहीं भी क्या चल रहा है? क्या सिर्फ उनके कहने से हमारे देश और हमारे राज्य की बदनामी हो रही है? जी नहीं, ये भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो प्लीज़ हमारा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें और कम से कम जो नए बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके भविष्य का ख्याल रखते हुए कुछ ना कुछ ऑप्शन दे, ताकि पढ़कर बच्चों को रोड पे खड़े होकर किसी को चाय ना बेचना पड़े, किसी को मैगी ना बेचना पड़े और किसी को कुछ नहीं करना पड़े। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इसके अलावा बीबीए के किसी भी फील्ड में काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार? हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मैं बीबीए से ही, मेरा सेल्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो मेरे को सेल्स और ट्रैवलिंग में। अच्छा, अभी आप ये कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स नाराज होंगे आपसे या फिर वो एग्री हैं? बिल्कुल, कोई भी पेरेंट्स नाराज होगा जब अगर आप अच्छी डिग्री लेकर के मार्केट में रोड पे काम करोगे तो, इसलिए पेरेंट्स भी नाराज हैं हमारे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पेरेंट्स भी नाराज है। मान्य सी नॉर्मल सी बात है कि किसी का भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रोड पर, सड़क पर खड़े होकर इस तरह का काम करने को मजबूर हो, लेकिन मजबूर होने के लिए सिर्फ ये लड़का ही जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ बच्चे भटक रहे हैं।